नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किन्नर समाज गरीब असहाय और अनाथ बच्चों को सहायता करने में पीछे नहीं है। अनोखी परंपरा की शुरुआत की वह आज भी कायम है। इस अनोखी परंपरा के जरिए समाज में किन्नरों के प्रति आदर का भाव बढ़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं समाज सेवा के जरिए सत्ता के गलियारों तक कदम रखने वाली किन्नर गुलशन बिंदु की, जिनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य सामाजिक कार्यों को गति दे रहे हैं। गरीबों को संबल प्रदान करना, असहाय बच्चों को शिक्षा, विवाह समेत कई सामाजिक कार्य गुलशन बिंदु के किन्नर शिष्यों की ओर से किए जा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या का किन्नर समाज गरीब और अनाथ बच्चों को सहायता करने में पीछे नहीं है। सीतामढ़ी में जन्मी किन्नर समाज से भी गुलशन बिंदु ने जो जिस परंपरा की शुरुआत की थी, उससे आज उनके शिष्य भी महत्व दे रहे हैं। गुलशन बिंदु आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने आमतौर पर ही दृष्टि से देखे जाने वाले किन्नर समाज को अपनी सामाजिक कार्यों के जरिए जो सीख दी, उनका पालन आज किन्नर समाज के लोग अन्य समाज के प्रति अपने आदर की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। गुलशन बिंदु असहाय बच्चों के लिए यतीम खाना चलाती थी। उन्होंने 250 से अधिक गरीब लड़कियों की शादी करवाई। गुलशन बिंदु के इसी कार्य को अब उनके शिष्य पिंकी किन्नर, राखी किन्नर समेत करीब 18 से 20 शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं। अयोध्या जिला ब्यूरो बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। फैजाबाद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माता रानी करे कि मेरे जजमान बने रहे और मेरे पूरा अयोध्या फैजाबाद की जनता बनी रहे, खुशहाल रहे, कि परमात्मा करे उनका परिवार बड़े, उन्हीं का दिया हुआ है। और एक बेटी ये है, अभी 4 बेटी मेरी और हैं। 5 बेटी हमने गोद लिया, बचपन से पाला रहा, अपने पास रखा, पढ़ा रही, लिखा रही, जितना वो पढ़ेंगी। इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अपना मिल गया शादी, लड़का मिल गया, शादी कर दे रही हैं। ये भी हमारी बेटी है और 4 शादी अभी हमें और करनी है जी। हमें जो है, सबसे पहले तो स्वर्गीय गुलशन बिंदु जी की मैं चेला हूँ, ठीक है। और मैंने अपने गुरु को देखा, अपने गुरु को मैंने देखा कि उन्होंने एक नहीं, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 शादियां करवा चुकी हैं। तो कम से कम गुरु ने इतना किया तो चेले का भी फर्ज बनता। अगर गुरु ने 1 रुपया किया है तो चेले का फर्ज बनता कि 1.5 रुपया, 2 रुपया उसको करे। तो उन्होंने अगर 20-25 शादियां की हैं तो हम भी चाहते हैं कि नहीं ज्यादा कर पाएंगे तो 5-7 शादियां तो जरूर हम करेंगे। 5 बेटी ले रखी है, 1 बेटा ले रखी है। पूरा मेरी फैमिली, मेरा पूरी फैमिली है ये घर में। हमारी शांति माई जी हैं, नताशा मेरी गुरु भाई है, यानी कि मेरे चेले 25-30 चेले नाती, हम मिलके सब मिलके अपना सब कर रहे हैं जी। मैंने अपनी बिटिया के लिए बार ढूंढा जगदीशपुर से बारात आई है हमारी। अब दहेज में तो आप देख भी चुके होंगे, अब कहें क्या। दान तो उस चीज को किया जाता है कि जो है दान करो, एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, है ना। इतनी जो नहीं दे सकती हम, लेकिन मेरे अयोध्या फैजाबाद की जनता बनी रहेगी तो जाने कितना हम किन मानिए, भगवान जानता है हमारा। हनुमानगढ़ी अयोध्या फैजाबाद की जो है जनता और हमारे किन्नर समाज की जनता, वो मेरा दिल जानता है। कल की रात से जब से शादी पास आई है तब से दिल नहीं मान रहा है। कल की रात भी नहीं सोए हैं, पूरी रात उलझन कि सुबह बेटी चली जाएगी और आगे मैं क्या कहूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि सारी जनता बनी रहे, ऊपर वाला इतना देवे हमारे जजमान को कि हम एक नहीं 10 शादियाँ करें और गरीब की खूब मदद करें। बस परमात्मा इतना हमें देवे कि पहले मैं 4 को खिला दूँ फिर मैं खाऊँ। समाज से गुजारिश करती हूँ कि सब अच्छे अच्छे काम करें, नेक काम करें कि उनका अगला जन्म अच्छा हो जाए, है ना। जाने कौन सा कर्म किया कि इस जन्म में किन्नर समाज में आए, और फिर इस जन्म में भी अच्छा कर्म ना करें तो अगला जन्म भी बेकार हो जावे। तो इसलिए इस जन्म में इतना झेल रहे हैं कि परमात्मा इतना कर दे में कि अगला जन्म तो सुधर जाए।